गाइस ये सीरीज का पार्ट 5 है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग पिछले पार्ट्स देख लें तभी आपको पूरी कहानी समझ आएगी, अदरवाइज आपको कहानी कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, हाय हाय सृष्टि, बोलो क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस बैठा था। और तुम? मैं लेटी हूँ। अच्छा, और आज इतने दिनों बाद मेरी याद आई कैसे? अरे नहीं, वो क्या है ना, सब होता है ना घर पर, तो कॉल नहीं कर पाती हूँ। एंड तुम्हें पहले भी तो मैंने बताया था ना? हाँ बताया तो था, बट मुझे नहीं लगा था कि अब तुम कॉल करोगी, क्योंकि मैंने देखा कि यार 15 दिन हो चुके हैं तुमने कॉल नहीं किया, तो मुझे नहीं लगा था कि तुम फिर से कॉल करोगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब रहते हैं ना इसलिए नहीं कर पाती। अच्छा, और बता खाना खा लिया तुमने? हाँ, तुमने? हाँ जी, मेरा भी हो गया। ओह गुड। हाँ और बताओ। और क्या बताऊँ, जानो मेरे जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल। बचपन का प्यार में थोड़े ना हूँ। अरे फ्रेंड तो हो ना, तो वो फ्रेंडशिप वाला प्यार भूल मत जाना। एक बार और गाओ ना। ना ना ना, वो उस बच्चे से बोलना गाने को, वो गाएगा अच्छे से, मैं नहीं गाऊंगा। पता है क्यों? क्यों? अगर कहीं मैं भी फेमस में हो गया तो? ओ भाई साहब, ढंग से फेमस नहीं बोल पा रहे हो, जब इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो फिर बोलने की क्या जरूरत है, हिंदी में बात कर लेना बेटा। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस देखो यार, इससे पहले कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में मेरा रोस्ट करते, मैंने खुद का ही रोस्ट कर लिया। अगर कहीं मैं भी फेमस में हो गया तो? ओ, तो अच्छी बात है ना, फिर तुम्हें गाना गाने को भी मिलेगा। ना ना ना, मुझे इतना टैलेंट दिखाना तुम। हाँ बट मुझे इतना फेमस नहीं होना ना उस बच्चे के जैसे। उस बच्चे को तुमने देखा, वो रातों रात फेमस हो गया। देखा है मैंने, फिर गाल था स्कूल में। हाँ और बता, ये गाना बहुत चल रहा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, रातों रात वायरल हो गया वो सॉन्ग। और घर पे सब ठीक है? हाँ सब सही है। मम्मी पापा सब कैसे हैं? मम्मी पापा भाई बहन सब सही हैं, मैं भी सही हूँ। और तुम्हारी दीदी? दीदी की बड़ी याद आती है। क्या करूँ, खूबसूरत चीजों की मुझे कुछ ज्यादा ही याद आती है, अब इसमें मेरी गलती नहीं है। हाँ जब दीदी आएंगे ना, जब उन्हें वहीं पे रख लेना, तुम जाने मत देना। अगर तुम्हारी दीदी रहनी चाहे ना तो मैं रख लूंगा, बट रहना चाहेगी तो ना? रह जाएंगी। एक बात बोलूं? हाँ। तुम्हारी दीदी में लेकिन बहुत एटीट्यूड है। वो क्यों? तुम्हारी दीदी बात कहाँ करती है मुझसे? तुम से क्यों बात करेंगी? इसलिए तो कह रहा हूँ एटीट्यूड है, एटीट्यूड गल है वो। पागल। लेकिन फिर भी तुम्हारी दीदी को बचा के रखना मुझसे। मेरी दीदी तुम्हें देखेगी भी नहीं। देखेगी नहीं, बचा के रखना वरना कहीं मैं पटा ना लूं। ओह रियली? हाँ अच्छा ये। गाइस मैं आपको बता दूं, उसके बाद इसने अचानक से फोन काट दिया और फिर इसने मुझे मैसेज किया। इसने कहा वेट, दी बुला रही है, अब आज नहीं कर पाऊंगी, कल करूंगी, सॉरी यार। मैंने कहा ओके कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, इसने सडनली फोन काट दिया और फिर आगे हमारे बीच बातें नहीं हुई है, तो आगे हमारे बीच जो भी बातें होंगी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करूंगा। गाइस आई एम सो सॉरी, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लेट आया है और गाइस वीडियो बहुत ही छोटा था। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि करण यार जल्दी वीडियो अपलोड क्या करो। गाइस मैं आपको बता दूं,
दूं, अभी हमारे घर पे काम चल रहा है तो जिस वजह से घर पे सारे लोग रहते हैं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूं। तो गाइस इसलिए वीडियो लेट आता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, 20 अगस्त के बाद सारी चीजें सही हो जाएंगी एंड उसके बाद वीडियो रेगुलर आएगा। मैं आपको बता दूं अभी 20 अगस्त को हमारे घर पे एक पूजा होने वाली है, तो जिस वजह से हमारे घर पे अभी चारों तरफ से काम चल रहा है। सो गाइस वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि हर तरफ से आवाज आती है तो वीडियो रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाता है। सो गाइस थोड़ा सा मैनेज कर देना, 20 अगस्त के बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, फिर मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।